राधे राधे, आप सभी को जय माँ भगवती। तो सबसे पहले हम माँ भगवती का ड्रेस शेयर कर रहे हैं कि क्या हमने चैत्र नवरात्रि के लिए प्रिपरेशन किया है। तो ये देखिए, ये हमने घर में ही तैयार किया। ये कॉटन का साड़ी मैंने बनाया है, जो कि ये देखिए, ये इतना जो प्लेट है वो आएंगे और ये इसका पल्लू है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। ये कॉटन का कपड़ा हमने मार्केट से खरीद के लाया, उसमें ऑलरेडी इसमें बॉर्डर वॉर्डर सब बूटे उटे बने हुए थे, और थोड़ा सा हमने अच्छा दिखने के लिए इसको यहाँ पे लगा दिया। तो चैत्र नवरात्र है तो गर्मी गर्मी में ये पड़ता है, तो इसलिए हमने कॉटन का बनाया है। और हम दो दिन ही भगवती का ड्रेस चेंज करते हैं, फर्स्ट दिन और फिर लास्ट दिन। तो फर्स्ट दिन हम ये पहना के बैठाएंगे तो पूरे उनको 8 दिन तक पहनना है ये वाला ड्रेस, तो इसलिए काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसके ऊपर जो हम पहनाएंगे उनको, वो हम दिखाते हैं आपको। तो इसको हम साइड करते हैं, ये ड्रेस हो गया। और इसमें अभी थोड़ा सा काम बाकी है, इसमें बस डोरी लगाना है। यहाँ पर डोरी लग जाए तो ऐसे करके ऐसे बंधा जाएगा और सीधा पल्ला उनको दिया जाएगा। तो बाकी तो उनका सिंघार का वीडियो अपलोड हम करेंगे ही, तो अभी फिलहाल ये देखिए। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि कैसा बना है। अभी थोड़ा सा ये धागा वगैरह निकला हुआ है, वो सब कटिंग कर देंगे और मुझे पैकिंग भी करना है। और आज लगभग शॉपिंग मेरा हो गया नवरात्र का। तो ये देखिए, एक नेकलेस मैंने ये निकाला है, तो ये देखिए ये है। तो ये लॉन्ग के पर्पज़ से हम पहनाएंगे। ये देखिए, ये मीशो से हमने मंगवाया था, तो काफ़ी सुंदर है। इसका इयर रिंग और मांग टीका भी है, तो बट आने के बाद ना उसका एक नग निकला हुआ था उसके इसके पीछे का, तो हम लगा देंगे बाद में। और एक हमने ये निकाला है, तो इसमें सारा चीज़ है। तो इसका इयर रिंग और जो मांग टीका था वो हमने रख दिया है, क्योंकि उसका यूज नहीं होगा, क्योंकि ये इयर रिंग पहनाएंगे उनको। और इसमें रेड कलर का लगा हुआ है मीना, तो ये देखिए ये तो काफ़ी सुंदर सा नेकलेस। और ये हमने मीशो से मंगवाया था, और काफ़ी मुझे मीशो का ज्वेलरी का जो है तो प्राइस कम लगता है और अच्छा है। और मार्केट में अगर ख़रीदो तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये ये हार है, तो इस तरीके से हम पहराएंगे। ये देखिए, ये लॉन्ग रहेगा और ये शॉर्ट रहेगा, और ये मांग टीका है। तो यही इतना है, तो देखते हैं, नहीं होगा तो ये इसको रखेंगे, ये इतना पहनाएंगे और ये नहीं पहनाएंगे, क्योंकि काफ़ी हेवी हो जाएगा। तो अभी मुझे लग रहा है, और इसका जो मोती है वो भी मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, उनके गले में आके थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा कम ज्वेलरी ही पहनाएंगे हम। तो ये हटाते हैं और देखेंगे इसको अगले नवरात्र तक। तो ये हो गया, और बाकी हमने लॉकर से निकाला नहीं है भगवती का जो भी गोल्ड का जो ज्वेलरी है कुछ, और थोड़ा सिल्वर का जो हमने बनवा रखा है। तो लास्ट दिन हम हर नवरात्र में उनको गोल्ड और सिल्वर ही पहनाते हैं लास्ट में, तो वो पहनाएंगे। तो इसको हम साइड करते हैं और दिखाते हैं आपको जो नवमी के दिन सिंगार किया जाएगा, जो नवमी पूजना खास होता है हमारे यहाँ पे। तो कुल की देवी हैं, तो उनको खास तरीके से पूजन किया जाता है। तो ये देखिए, माफ़ कीजिएगा, हम थोड़ा आपको खोल के तो नहीं दिखा सकते, बट ऐसे ही दिखाते हैं। तो ये भी साड़ी ही बना है, ये देखिए, ये भी साड़ी ही है। ये प्लेटें हैं, ये पल्ला है, ये देखिए, और इसमें जो है सो ये लगे हुए हैं नीचे में। तो ये सब कपड़े जो भी हैं हमने खुद से ही बनाया है, ये देखिए। तो इतना इसका लेंथ है इस कपड़े का, और बाकी जब वो पहनेंगी तो आप लोग तो देखिएगा ही, तो देख तो उस टाइम हम बताएंगे। और इसका अभी हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमको पैक करना है इसलिए। तो ये हो गया, और ये देखिए, और ये एक चुन्नी है, इसका एक चुन्नी हमने भगवती को ओढ़ा रखा है। ये चुन्नी काफ़ी मेरी भगवती आराम से कैरी कर लेती हैं, तो ये चुन्नी है, तो ये चुन्नी हमने निकाला है। और एक चुन्नी ये है, तो देखते हैं अगर
पहनाना हो तो ही हम ले जाएंगे, बाकी तो ये काफ़ी बड़ा चुन्नी है तो इसलिए देखते हैं। और इतना सारा सामान शहर से गांव ढो के ले जाना पॉसिबल भी नहीं है इसलिए। और ये देखिए, ये भगवती का हेयर है जो कि अभी सिंपल सा हेयर हमने लगा रखा है और ये हमने हटा दिया। और हमारे यहाँ पे चींटियाँ काफ़ी लग रहे हैं, आप लोग के पास अगर कोई आइडिया होगा तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि चींटी से परेशान आ गए हैं और मार भी नहीं सकती, अच्छा नहीं लगता।